नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट चंद्रमोहन काला एरोंस इंडिया से एरोंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एरोंस के सब सीरीज के एम्पलीफायर सब 12 के बारे में। चलिए देखते हैं सब 12 के फ्रंट को, फ्रंट लुक किस तरह से आता है। फ्रंट लुक में आप देख सकते हैं आपको ग्लॉसी रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के साथ में मिल जाता है। साथ में आप देख सकते हैं एरोंस की ब्रांडिंग, मॉडल नंबर सब 12 के, और वेंटिलेशन के लिए ग्रिल को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इसका एयर फ्लो जो है आगे से पीछे की ओर है, और इसके साथ ही आपको पकड़ने के लिए दो हैंडल्स मिल जाते हैं। बीच में आपको पावर ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है। पावर ऑन ऑफ स्विच के ऊपर ही आपको ऑन का LED इंडिकेटर्स मिल जाता है दोनों चैनल के लिए। पावर ऑन ऑफ स्विच के साथ में ही आपको दोनों चैनल के लिए वॉल्यूम कंट्रोल नॉब्स मिल जाते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल नॉब के ऊपर ही आपको दोनों चैनल का सिग्नल LED इंडिकेटर्स, -20 dB से -5 dB क्लिप, टेम्परेचर और प्रोटेक्शन की LED इंडिकेटर्स भी दी गई हैं। सब 12 के बैक साइड में आप देख सकते हैं एरोंस की ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के साथ ही आपको ये हैवी ड्यूटी पावर केबल मिल जाती है। पावर केबल के ऊपर ही आपको इनपुट और आउटपुट सेक्शन दिया गया है। इनपुट सेक्शन में आप देख सकते हैं XLR मेल फीमेल सॉकेट आपको मिल जाते हैं। आउटपुट सेक्शन में आपको स्पीक ऑन सॉकेट दिए गए हैं, जिसमें आप +1, -1, +2, -2 यूज कर सकते हैं। ये दोनों सर्किट अंदर से पैरेलल है। इसमें हमने न्यूट्रिक के कनेक्टर्स यूज किए हैं। आउटपुट और इनपुट सेक्शन के साथ में ही आपको दो पावरफुल फैन दिया गया है, जो कि आपके एम्पलीफायर को जल्दी से हीट नहीं होने देगा। इसमें हमने 30 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर स्विच दिया है। यदि आपके एम्पलीफायर में 30 एम्पियर से ज़्यादा का करंट आएगा तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इसे रीसेट करने के लिए आपको इसे प्रेस करना होगा, आपका एम्पलीफायर रीसेट हो जाएगा। सब 12 के का अंदर का लुक कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें हमने काफ़ी बड़ा और पावरफुल कॉपर का ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा हार्ट बेस देगा। ट्रांसफार्मर के पीछे ही आपको कैपेसिटर बैंक मिल जाता है। कैपेसिटर बैंक के दोनों साइड में आपको चैनल ए और चैनल बी का एम्पलीफायर मॉड्यूल मिल जाता है। इसमें हमने 4 पावरफुल फैन यूज़ किए हैं, जो कि आपके एम्पलीफायर को जल्दी से हीट नहीं होने देगा। इसमें आपको 8 सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, DC प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन, आउटपुट ओवरलोड प्रोटेक्शन, सॉफ्ट स्टार्ट प्रोटेक्शन, क्लिप लिमिट प्रोटेक्शन, VHF प्रोटेक्शन और प्रोग्रेसिव वॉल्यूम प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल जाता है। इसके पावर की बात करें तो ये आपको 8 ओम पर चैनल 2200 वाट पावर देगा स्टीरियो में, और 4 ओम स्टीरियो मोड पर ये आपको 3600 वाट का पावर निकाल के देगा। इसके डैम्पिंग फैक्टर की बात करें तो इसका डैम्पिंग फैक्टर 800 है। ये क्लास AB+D में है। इसका ग्रॉस वेट 40 kg है और इसका नेट वेट जो है 45 kg है। आज के डेमो सेटअप में सबवूफर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सब 12 के, और टॉप के लिए हम जो एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हम LA14004। DSP हम यूज़ कर रहे हैं एरोंस का 4080। सबवूफर के लिए जो स्पीकर हम यूज़ कर रहे हैं वो एरोंस का AI118 सब है, और टॉप के लिए हम यूज़ कर रहे हैं टर्बो सीरीज का 545। चलिए करते हैं डेमो स्टार्ट। आशा करते हैं आपको हमारा आज का सब 12 के का वीडियो और डेमो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, व चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।